चलिए आगे, जहाँ पढ़ा रही थी फिर से शुरू करते हैं कि इनका जीवन देश के लिए, जीवन ही नहीं इनके द्वारा कमाया गया धन, उनकी शक्ति और उनका पूरा समय देश के लिए ही था। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने गोरे काले का भेदभाव भी दूर किया और दांडी यात्रा कर नमक कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसका भी उन्होंने खंडन किया। तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत, तस्य सर्व समय सर्वा शक्ति सर्वम धनम च देशाय इवासीत। उनकी श्रद्धा अहिंसा में थी और उनका पूरा समय, पूरी शक्ति, पूरा धन देश के लिए ही था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें आए हुए कठिन शब्द और इसमें आए हुए ग्रामर। स्वदेशम आगत्य, स्वदेश लौटकर अर्थात अपने देश में आकर, देशस्य सेवायाम देश की सेवा में, प्रावर्तयत प्रावर्तयत चलाया, अहिंसायाम अहिंसा में, एवासीत का मतलब ही था, एव धन आसीत एवासीत, स्वदेशम धन आगत्य स्वदेशम आगत्य, अपने देश आकर, तो इसमें स्वदेशम धन आगत्य दोनों को अलग अलग करेंगे तब बनेगा अपने देश में आकर। एवासीत शब्द है, इसमें एव अव्यय है और आसीत का मतलब था, ही था, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सह देशभक्तानां नायका आसीत, सह भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम स्वातंत्रताय आंदोलनम प्रारभत, आंगल्या भारतम त्यजत इति तस्य घोषवाक्यम आसीत। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्न भारतम स्वतंत्रतम अवत। वह क्या थे? देशभक्तों के नायक थे। सह का मतलब है वह, देशभक्तानां मतलब देशभक्तों के, नायकः नायकः का मतलब नायक, नायक अर्थात प्रमुख व्यक्ति, और आसीत का मतलब थे। वह देशभक्तों के एक नायक के रूप में थे। सः भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम, वह भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ, आंदोलन प्रारंभ किए, लेकिन उनका आंदोलन जो है वो अहिंसा का नहीं था। अहिंसा के वह बहुत ही विरोधी थे, उनका अहिंसा परमो धर्मा उनका ध्येय वाक्य था। वह सारा काम और पूरे देश को आजाद कराने में अहिंसा का सहयोग लेकर के ही चले हैं। और वह उन्होंने कौन सा आंदोलन किया? स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया और सारे भारतवासी उस आंदोलन में उनके साथ कूद पड़े। सन 1942 में करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह उनके द्वारा घोषवाक्य था, यह उनका नारा था। और इस नारा के तहत उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को कहा था, आंगलिया भारतम त्यजत, अंग्रेजों भारत छोड़ो इति तस्य घोषवाक्य, यही उनका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह उनका नारा था। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्न भारतम स्वतंत्रतम अवत, और इस महापुरुष के प्रयत्न से, इनके द्वारा किए गए अथक प्रयत्न से भारतम हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। हमारा भारत क्या हो गया? सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को इनके सहयोग से, अटूट सहयोग से हमारा देश सन 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेजों से हमारा देश मुक्त हुआ और हम स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाए। तो इस महापुरुष ने हम अपने प्रयास से हमारे भारत को स्वतंत्र किया। देखते हैं इसके शब्दार्थ को नेक्स्ट स्लाइड में। शब्दार्थ में है देशभक्तानाम। देशभक्तानाम का अर्थ है देशभक्तों के, नायिका का मतलब है नायक या प्रमुख व्यक्ति, स्वातंत्र्यार्थम स्वतंत्रता के लिए, प्रारभत प्रारंभ किया, घोष वाक्यम का अर्थ होता है नारा, और अवगत का मतलब है हुआ।
तो उनका नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें आए हुए व्याकरणिक तत्व हैं स्वातंत्र्यर्थम, स्वातंत्र्य धन अर्थम, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के अर्थ के लिए स्वातंत्र्यार्थम। ठीक है, पुरुषस्य, पुरुषस्य कैसे बना है, महापुरुषस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा यह पुरुषस्य शब्द, पुरुष का। चलो अब है हम लोगों का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में अभी महात्मा गांधी के विषय में जितनी सारी बातें बताई गई, इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का नाम, इनके पिताजी का नाम, और इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था और किनके साथ हुआ था, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, कस्तूरबा बाई से इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, और इनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनके चारों पुत्र का नाम था, पहला हरिलाल गांधी, दूसरा देवदास गांधी, तीसरा रामदास गांधी और चौथा मणिलाल गांधी। तो ये इनके 4 पुत्र थे। इसी अभ्यास कार्य में इनके द्वारा इस पाठ में आए हुए आप लोगों ने पढ़ा है, उसी पाठ के अंदर से यह आप लोगों का संस्कृत में प्रश्न उत्तर है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति और है आपका संस्कृत में अनुवाद। तो पहला देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, आपके अभ्यास कार्य पुस्तक में दिया हुआ है, इसको देखेंगे। महात्मा गांधीना पूर्ण नाम किम अस्ति, आपके पाठ में आया है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, क्या है पूरा नाम बताया गया है आप लोगों को। पार्टिसिपेट्स जो बच्चे हैं गोदावरी साहू, यदि वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगी तो उसका उत्तर देने में वह सक्षम हो सकती हैं। यदि वह चाहे तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। गुड, उनके उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ना मातु नाम लिखतु, महात्मा गांधी की माता का नाम लिखिए, क्या नाम था उनकी माता का। पुतली बाई। पुतली बाई। कैसे लिखोगे इसको, पूरा बोलो इसका आंसर। पुतली बाई तस्य मातु। तस्य मातु नाम, या महात्मा गांधी ना मातु नाम पुतली बाई आसीत, उनकी माता का नाम पुतली बाई था। तीसरा है, महात्मा गांधी ना जन्म कस्मिन स्थाने अभवत, कौन से स्थान में हुआ था, कब हुआ था, नहीं पूछ रहा है, सिर्फ स्थान का नाम पूछ रहा है कि कौन से स्थान में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा बताए, गांधी नाम जन्म पोरबंदर नामनी स्थान अभवत। गुड, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। तो इसको लिखेंगे, महात्मा गांधी ना जन्म पोरबंदर नामनी स्थाने अभवत। चौथा है, महात्मा गांधी उच्च शिक्षाएं कुत्र गच्छत, महात्मा गांधी अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। महात्मा गांधी उच्च शिक्षा देशम आगच्छत। आंग्ल देशम अगच्छत, कहाँ गए थे, दूसरे देश अर्थात विदेश इंग्लैंड वह गए थे। महात्मा गांधी उच्च शिक्षाएं आंग्ल देशम अगच्छत, हो गया ये क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यह भी आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही है। स खाली स्थान प्रिय आसीत, वह किसके प्रिय थे, महात्मा गांधी जी किसके प्रिय थे, पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। आचार्य नाम। आचार्याणाम, महात्मा गांधी अपने आचार्यों के, अपने शिक्षकों के प्रिय थे, बहुत अच्छा। दूसरा है, खाली स्थान सदा सत्यम वदति स्म, कौन हमेशा सत्य बोलता था। हमेशा सत्य बोलने वाला व्यक्ति कौन था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति स्म, या सह, चाहे तो सह लिख दो या नाम लिख दो, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति स्म या सह सदा सत्यम वदति स्म, वह हमेशा सत्य कहते थे, वह
कौन कहते थे वह का प्रयोग यहाँ पर, क्योंकि महात्मा गांधी से लिया जा रहा है, महात्मा गांधी पाठ के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर सह भी आएगा और नहीं तो महात्मा गांधी भी आएगा, और दोनों ही सही है। तीसरा है करमचंद गांधी खाली स्थान नाम, किनका नाम था करमचंद गांधी? उनकी माता का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, किसका नाम था? तो उन करमचंद गांधी तस्य पितु नाम, करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, तीन अनुवाद दिया गया है, यह भी आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही है। वह सदा सत्य बोलते सदा सत्यम वदति स्म। थे, स सदा सत्यम वदति स्म, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, स सदा सत्यम वदति स्म, वह हमेशा सत्य बोलते थे। आपको देखना थर्ड पैराग्राफ के दूसरी लाइन में, स सदा सत्यम वदति स्म, मिल गया बुक में, वह हमेशा सत्य बोलते थे। दूसरा है महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, इसका कहाँ दिया हुआ आंसर? चलिए अनुवाद में महात्मा रहिए, गांधी आसीत। एका महापुरुषा आसीत, सबसे पाठ्य के प्रारंभ की पहली लाइन महात्मा गांधी एक महापुरुष आसीत, महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसकी श्रद्धा अहिंसा में थी, उसकी का क्या होता है तस्य, बताई थी तस्य श्रद्धा अहिंसा में थी, अहिंसायाम आसीत, तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत, उनकी श्रद्धा किसमें थी? अहिंसा में थी। अब इसके बाद आप लोगों का है ये पाठ्य पुस्तक में आए हुए आप लोगों को अभ्यास कार्य करवाया गया, इसमें प्रश्न 4 में दो संधि विच्छेद, एक संधि विच्छेद है और एक संधि करने के लिए है, वो अपने पाठ्य पुस्तक में है, उससे कर लीजिएगा आप लोग। जो मैंने अंदर करवाया भी है अपने पीपीटी में, स्वदेशम आगत्य, स्वदेशम धन आगत्य, मातुश्च मातु धन च, निम्नलिखित पदों की संधि कीजिए, बाल्य काला धन एव, बाल्य काला देव, उसी तरह से स्वातंत्र्य धन अर्थम स्वातंत्र्यार्थम, यह आपके पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको गृह कार्य करना है, गृह कार्य में क्या है, महात्मा गांधी जी का जो जीवन परिचय अभी बताया गया है, आपको महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय अपने बड़ों की सहायता से, अपने परिवारजनों में जो भी जानकार हैं उनकी सहायता से आप अपनी मातृभाषा में 10 वाक्यों में इनके बारे में लिखना है, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका विवाह किनके साथ हुआ, इनके बच्चों का क्या नाम था, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, इनके द्वारा किए गए आंदोलन और हमारे देश के प्रति इनका कर्तव्य क्या क्या था, इनको आप लोगों को 10 वाक्यों में हिंदी में लिखना है। और 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को हमारे इस राष्ट्र के महामानव महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, और हमारे बापूजी मरकर भी हमारे बीच अमर हो गए, और उनका जीवन ही उनका संदेश है अहिंसा परमो धर्मः, और उनका कहना है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। इसी वाक्य के साथ महात्मा गांधी को नमन करते हुए हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।